गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप फॉर लव इन डिज़ायर। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन मैं हुरिया और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस प्रॉपर ट्रेडिशनल बंगाली मेकअप लुक। एंड इस लुक को मैंने क्रिएट किया स्पेशली फॉर जन्माष्टमी क्योंकि जन्माष्टमी इज कमिंग। सो गाइस अगर आप भी जन्माष्टमी के दिन इस तरीके से प्रॉपर ट्रेडिशनल बंगाली नो मेकअप लुक में रेडी होना चाहते हो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मी। किसी भी मेकअप को स्टार्ट करने से पहले अपने फेस को बहुत अच्छे से प्रेप कर लेना, स्किन को प्रेप कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने फेस को बहुत अच्छे से पहले क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई की है और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ ममा अर्थ बाय बाय ब्लेमिशेस फेस क्रीम क्योंकि मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी के साथ आता है एंड काफ़ी अच्छी काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर है। आप अपने पसंद की कोई भी मॉइस्चराइजर ट्राई कर सकते हो। मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है प्राइमर और ये मैंने अप्लाई किया है आइबा की फोटो परफेक्ट प्राइमर जो कि एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ऑयली ड्राई किसी भी स्किन टाइप में आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली मैंने टी जोन एरिया में एंड जहाँ जहाँ पे फाइन लाइन्स या फिर पोर्स विजिबल है उन एरियाज पे मैंने प्राइमर को इस तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है मेबेलिन सुपरस्टार डीवी फाउंडेशन। ये एक मीडियम टू फुल कवरेज का फाउंडेशन है। तो कुछ इस तरीके से हाथ में दो पंप लेकर मैंने अपनी पूरे फेस और नेक पे इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई किया है एंड इसके बाद एक इस तरीके की स्मॉल बफिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लिया पूरे फेस में। सो नेक्स्ट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से भी डैप कर रही हूँ ताकि एक्सेस प्रोडक्ट कहीं पे अगर रह गया होगा तो वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ी सी हाइलाइटिंग इफेक्ट लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कंसील एंड डिफाइन कंसीलर इन दी शेड C10। तो इसे कुछ इस तरीके से अपने अंडर आई बेस ऑफ द नोज टिप ऑफ द नोज फोरहेड क्यूपिड बो चिन एंड लिप्स के कॉर्नर्स में एंड कुछ इस एरिया पे जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फेस में इस एरिया पे थोड़ी सी पिगमेंटेशन है ज़्यादा। तो मैंने कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई करने के बाद सेम डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैप डैप करके ब्लेंड कर लिया है। एंड कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की सेटिंग पाउडर और इसमें मेरा शेड नंबर है N06। तो कुछ इस तरीके से इसे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पिक करके मोस्टली जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया उन एरियाज पे इस तरीके से इसे अप्लाई कर लिया। तो इसके बाद अगर आपको टाइम है अगर आपके पास तो आप इसे रख सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट मैंने यहाँ पे एक पाउडर ब्रश की हेल्प से सेम पाउडर को ही पिक करके अगेन पूरे फेस की एंड अपनी नेक की मेकअप को सेट कर लिया है। गाइस अब मेरी फेस बहुत ज़्यादा फ्लैट दिख रही है तो फेस में थोड़ी सी शेप लाने के लिए थोड़ी सी रिफाइन लुक लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की कॉन्टोर हाइलाइटर एंड ब्रॉन्जर पैलेट से कॉन्टोरिंग शेड और इसे इस तरीके से पिक करके मैंने अपनी फेस में हलो सब चीज जॉ लाइन एंड अपनी नोज को थोड़ी सी कंटोर कर ली है। एंड नेक्स्ट सेम सेटिंग पाउडर को इस तरीके से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पिक करके मैंने अपनी हॉलो थ्रो चिक्स की जो कंटूरिंग है उसे थोड़ी सी इस तरीके से शार्प लुक दी है एंड इसके बाद पाउडर ब्रश की हेल्प से अगेन ब्लेंड कर लिया ताकि सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छे से ब्लेंडेबल एंड शार्प एंड सॉफ्ट दिखे। फेस मेकअप को यहीं पे छोड़ के मैं अपनी आईब्रोज को ड्रॉ कर लूँगी और मैंने आज लिया है हिला एरोडे की ये वाली आईब्रो किट। तो सबसे पहले डार्क शेड को पिक करके इस तरीके से मैंने अपनी आईब्रोज की ग्रोथ की डायरेक्शन में छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल एंड ड्रॉ कर लिया आईब्रो को एंड फ्रंट पोर्शन में लाइटर शेड को पिक करके थोड़ी सी छोटे छोटे स्ट्रोक्स में फिल कर लिया है। एंड नेक्स्ट अगेन सेम कंसीलर को पिक करके अपनी आईब्रोज को इस तरीके से डिफाइन कर लिया है एंड सेम कंसीलर से ही अपनी आईलिड पे भी अप्लाई कर लिया एज माई आई शेडो बेस। आई शेडो बेस को कुछ इस तरीके से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेने के बाद अगेन सेम सेटिंग पाउडर को इस तरीके की एक स्मॉल आई शेडो बेस ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने अपने आई शेडो बेस को बहुत अच्छे से सेट कर लिया है ताकि ये क्रीज ना हो जाए। एंड नेक्स्ट अगेन अपनी नोज को थोड़ी सी मैंने कंटूर की है सेम कंटूरिंग शेड से जिससे मैंने अपनी फेस की कंटूरिंग की थी ताकि मेरी नोज थोड़ी सी शार्प दिखे। अगर आपकी नोज पहले से बहुत ज़्यादा शार्प है तो आपको ये वाली स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद सेम कंटूरिंग शेड को ही सेम ब्रश के हेल्प से पिक करके मैंने अपनी आउटर कॉर्नर से लेकर क्रीज लाइन पर इस तरीके से इनर कॉर्नर की तरफ मैंने सर्कुलर मोशन में ब्लेंड किया है एज माई ट्रांजिशन शेड। एंड सेम शेड को ही मैंने अपने लोअर लैश लाइन पर भी इस तरीके से ब्लेंड किया है, क्योंकि कोई आई शेडो लुक आज मैं क्रिएट नहीं करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी आई मेकअप लुक है, आप देख सकते हो। एंड अगेन सेम पैलेट से ही ये वाली जो हाइलाइटर शेड है, इसे एक फ्लशर ब्रश की हेल्प से पिक करके मैंने अपनी ब्राउ बोन एंड अपनी इनर कॉर्नर्स को हाइलाइट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी की बोल्ड एंड ब्लैक जेल काजल। तो कुछ इस तरीके से इसे टाइट लाइन, वाटर लाइन एंड अपनी लाइनर एरिया पे अप्लाई कर लिया है मैंने। तो काजल को इस तरीके से अप्लाई करने के बाद इस तरीके की एक बहुत ही स्मॉल सी फ्लशर काइंड ऑफ ब्रश की हेल्प से इस तरीके से काजल को मैंने आउटर कॉर्नर की तरफ स्मच किया है एंड थोड़ा सा इस तरीके से स्टेन किया है। इससे बहुत ही अच्छी वाली एक स्मोक्ड आउट लाइनर वाली लुक आएगी एंड बहुत ही नो मेकअप वाली लुक आएगी, बट आई लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी। तो कुछ इस तरीके से इसे स्मच किया है मैंने और इनर कॉर्नर की तरफ भी इस तरीके से थोड़ा सा स्टेन किया ताकि इनर कॉर्नर भी थोड़ी सी शार्प दिखे। नेक्स्ट मैंने एक ब्लैक शेड की आई शेडो को इस तरीके से सेम ब्रश की हेल्प से पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन की काजल को सबसे पहले स्मज किया है। इससे काफ़ी अच्छी एक स्मज्ड काइंड ऑफ लुक आएगी और सेम तरीके से मैंने अपनी अपर लाइनर एरिया की जो काजल मैंने अप्लाई किया है उसे भी स्मज किया है एंड स्मोक्ड आउट किया है। इससे बहुत ही अच्छे से काजल सेट हो जाएगा एंड बहुत अच्छे से एक स्मोक्ड आउट वाली लुक आएगी एंड काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी आई लुक। तो आप अपने पास कोई भी आई शेडो पिक कर सक मतलब कोई भी आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेड को पिक कर सक हैं। मैंने यहाँ पे ब्यूटी पीपल के आई शेडो पैलेट से ब्लैक शेड को पिक किया है। मैं अपनी आई लैशेज को कर्ल कर लूँगी क्योंकि कोई भी फॉल्स लैशेज मैं नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से बहुत अच्छे से आई लैशेज को कर्ल कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन की कोलोसल मस्कारा अप्लाई किया है अपनी लैशेज पे 2 से 3 कोट एंड आप रिजल्ट देख सकते हो। ये काफ़ी अच्छी काइंड ऑफ मस्कारा है एंड काफ़ी ज़्यादा वाटरप्रूफ है गाइस। तो बहुत अच्छे से मैंने अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ब्लशर और मैंने यहाँ पे लिया है मेकअप रेवोल्यूशन की ब्लशर पैलेट और इसमें मेरा वेरिएशन है शुगर एंड स्पाइस। तो काफ़ी अच्छी वाली एक पिंक शेड आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो कुछ इस तरीके से ब्लशर को अप्लाई करने के बाद सेम हाइलाइटर पैलेट से हाइलाइटर पिक करके इस तरीके से सिर्फ अपनी ब्रिज ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज, क्यूपिड बो एंड चिन पे मैंने अप्लाई किया है। सो गाइस आप देख सकते हैं ये वाले जो हाइलाइटर है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल वाली ग्लो दे रही है, कोई भी चंकीनेस इसमें नहीं है। तो आज के हाइलाइट लुक के लिए मैं कोई भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हाइलाइटर नहीं अप्लाई करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। तो आज की मेकअप लुक को कंप्लीट लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है स्विस ब्यूटी बोल्ड मैट लिप लाइनर इन दी शेड चको न्यूड। इसकी हेल्प से मैं अपनी लिप्स को ड्रॉ एंड फील कर रही हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूड काइंड ऑफ एक शेड है आप देख सकते हो। एंड आज के लुक के लिए मैं अपनी लिप्स को बिल्कुल न्यूड रखने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसे मैंने अप्लाई कर लिया है एंड इसके बाद लिप्स में थोड़ी सी शाइन एंड थोड़ी सी प्लम्पीनेस लाने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक ऑर्डिनरी जो जेल आता है उस जेल को इस तरीके से अप्लाई कर लिया। एंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ एक जेल है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इससे जो लुक आती है, जो शाइन आती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी काइंड ऑफ लिप्स दिखती है। तो गाइस देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से इसे मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड नेक्स्ट पूरे मेकअप लुक को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इनसाइड के मेकअप फिक्सर। तो कुछ इस तरीके से पूरे मेकअप को मैं फिक्स कर रही हूँ इस सेटिंग स्प्रे से। सो गाइस मेकअप यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी साड़ी को वेयर कर लिया ऑफ कैमरा एंड आई एम रेडी विथ माई शाखा पॉला हेयर बन। और मैंने बिल्कुल ऑर्डिनरी एक बन यहाँ पे बना लिया है। तो कुछ इस तरीके से एक आर्टिफिशियल गजरा मैंने अप्लाई कर लिया है। अगर आपके पास ओरिजिनल फ्रेश गजरा है तो आप डेफिनेटली उसे ही अप्लाई वेयर कर लेना, क्योंकि मेरे पास नहीं था, मैंने इसे ही वेयर कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे सिंदूर वेयर कर रही हूँ। तो सिंदूर वेयर करने के लिए मैंने एक फ्लशर ब्रश ले लिया है और जो बिंदी वाले पत्ता आते हैं उसकी हेल्प से मैंने इस तरीके से सिंदूर को बहुत अच्छे से वेयर कर लिया है। आप भी इस तरीके से कर सकते हो, इससे सिंदूर स्प्रेड होने की जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक ट्रिक भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे आप बिल्कुल न्यू ब्राइड वाली इफेक्ट ला सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सिंदूर को वेयर करने के बाद आप ब्रश के हेल्प से स्मोक्ड आउट कर सकते हैं इसे। इससे बहुत ही अच्छी काइंड ऑफ एक स्मोक्ड आउट वाली एंड बिल्कुल नई दुल्हन वाली लुक आती है। तो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रही हूँ और मैंने बिल्कुल एक मरून एंड रेड कम्बाइंड कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ सिंदूर वेयर किया है।
और इस सिंदूर की नेम मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकती। और रेड बिंदी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने ब्लैक बिंदी वेयर कर लिया। तो अगर आपके पास रेड बिंदी है तो प्लीज़ उसे ही वेयर कर लेना, एंड ज्वेलरीज को मैंने वेयर कर लिया। सो दैट्स माई फाइनल लुक गाइस। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये लुक, आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड अगर आपको मेरी ये लुक पसंद आ रही है एंड मेरी ये वाली वीडियो आपने एंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड उसके बाद जो छोटा सा बेल बटन है उसे भी जरूर हिट कर देना। एंड गाइस अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टाटा।